नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। गोंडा के नगर कोतवाली में पुलिस विभाग के भवनों का वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने भी वर्चुअली लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं माननीय विधायक सदर, जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बटन दबाकर कार्यक्रम का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम के मौके पर जिले के आला अधिकारी समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। खबर बिजनौर के भक्तिखेड़ा थाना क्षेत्र से है, जहां पर पुलिस ने चंद्रवती हत्याकांड में लूटपाट और हत्या का खुलासा किया, जिसमें सोने चांदी के जेवरात लगभग 4,09,500 रुपए नगद बरामद किया गया। पुलिस डीसीपी दक्षिण की सर्विलांस टीम ने हत्या का खुलासा किया। ये प्रॉपर्टी को जो हड़पने के लिए और ये घटना को अंजाम दिया। इसमें जो मृतका के एक भांजा है ओम प्रकाश, उसको वो मृतका चाहती थी कि हम इसको जो है अपनी प्रॉपर्टी लिख देंगे, क्योंकि इन लोगों का नागवार गुजरा हुआ जैसे आता हो, तो भतीजे को इनका ये कहना था क्योंकि हमारे घर की प्रॉपर्टी है तो ये हमको मिलनी चाहिए और ये हमें वहाँ नहीं जाने देंगे। तो इन्होंने एक योजना बनाई, योजना के तहत इन लोग इसके घर पर गए, वहाँ पर महिला का मुँह और नाक दबा करके उन्होंने उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद जो जेवर थे उसके अलमारी में रखे हुए, वो जेवर भी इन्होंने ले लिया। गाजियाबाद की सर्विलांस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 983 गुमशुदा मोबाइलों का पता लगाया है, जिसमें गुमशुदा 111 मोबाइलों की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं 246 मोबाइल चलते हुए पाए गए हैं। मेरे गुमशुदे होने की मैंने अब से दो साल पहले कंप्लेंट की थी और आज मुझे फ़ोन मिला है। बहुत ही खुशी हो रही है इस चीज़ से कि बहुत टाइम बाद मुझे मेरा फ़ोन मिला है। एसएसपी गाज़ियाबाद के निर्देशन में हमने एक टीम बनाई थी, जिसमें सर्विलांस के ही लोग थे। पूरी सर्विलांस टीम ने डेटा कलेक्ट किया था जनवरी 2021 से लेकर अभी तक का, जिसमें कुल 983 मोबाइल हमको सूची मिली थी। उसमें से अभी हमने 111 मोबाइल हमने बरामद कर लिए हैं। मथुरा में जांच की टीम अध्यक्ष सुलखान सिंह ने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का निरीक्षण किया, साथ ही मंदिर के अंदर पहुंचकर गोस्वामी समाज से मुलाकात की। वहीं जांच के अध्यक्ष सुलखान सिंह ने कहा कि दो दिन से वह आम आदमी की तरह मंदिर में जांच पड़ताल कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच तीन बिंदु पर हो रही है, जिसमें पहला बिंदु हादसे का कारण है। खबर लखीमपुर खीरी के पलिया कला क्षेत्र से है, जहां दबंग की दबंगई सामने आई है। आपको बता दें कि दबंग ने गरीब महिला के घर को गिरा दिया, सारा सामान घर के बाहर फेंक दिया, उसके बाद मोबाइल, रुपए और जेवर लेकर दबंग फरार हो गए। दबंगों ने गरीब महिला को जान से मारने की धमकी दी, साथ ही महिला ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। खबर औरैया जिले से है, जहां विकास भवन में एक युवक का नमाज अदा किए जाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद औरैया डीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए नमाज अदा करने वाले व्यक्ति की पहचान कर उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें कहीं किनारे पे कोई व्यक्ति जो है नमाज अदा कर रहा है, तो उसके लिए हमने थाना अध्यक्ष को, दिव्यापुर को, FIR दर्ज कर जांच की कार्रवाई करने के लिए आदेश किया हुआ है। CDO ने FIR दर्ज कराया है और जो भी स्थिति होगी कि क्या कोई इंटेंशनली है या उसका कोई इंटेंशन नहीं था, वो चीज़ जांच से स्पष्ट हो जाएगी, तदनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। औरैया में यमुना का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते जिलाधिकारी यमुना किनारे बसे गांव का जायजा लेने पहुंचे। साथ ही उन्होंने बताया कि यमुना का जलस्तर बढ़ा है, इसलिए संभावना है कि पानी गांव में भी आएगा, जिसको लेकर हर संभव मदद की जाएगी, साथ ही उचित स्थान पर पहुंचाने का व्यवस्था किया जाएगा।
कोटा बैराज से कल तक जो है दो दिन में 12 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। इससे हमारे यहाँ का लेवल जो है 113 हमारा डेंजर लेवल है। ये शाम तक क्रॉस होकर 114-115 तक जाने की संभावना है। इसके मद्देनज़र हमने पूरे रेवेन्यू की डेवलपमेंट और पुलिस की टीम को सक्रिय किया है। ये जो हाँ हम लोग हैं प्राइमरी पाठशाला में, यहाँ पर हम लोग बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाते हैं। सभी विभागों की हमारी टीम यहाँ लगती है। आवश्यकता पड़ने पर नाव भी लगाएंगे, इनको रेस्क्यू करके ऊपर ले जाएंगे और इनके रहने खाने की व्यवस्था भी करेंगे। वैसे ये पानी छोड़ने पे है, बस ज़्यादा दिन नहीं रुकता है ये बाढ़, तो वो फिर एक दो दिन में वापस नीचे भी चला जाता है जब पानी नहीं, लेकिन फिर उतने दिन के लिए तो व्यवस्था हम कर ही रहे हैं। हरदोई के लोनार कोतवाली की चौकी 52 के 52 कस्बे में बच्चा चोर समझकर भीख मांग रही वृद्ध महिला की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। आपको बता दें कि सीतापुर जनपद की रहने वाली विशिप्त वृद्ध महिला यहां भीख मांगा करती थी। वही महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आज एक 65 वर्षीय महिला जिसका नाम जनता है, ये 8 ग्राम 8 थाना मिश्रिक सीतापुर की रहने वाली है। ये कस्बा 52 में एक व्यक्ति के घर पे गई थी भीख मांगने, ये घूम के भीख मांगती है। वहाँ पे उनके 3 वर्षीय बेटे का उसने हाथ पकड़ लिया, तो लोगों ने ये समझा कि बच्चा चोर है और लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस मौके पे गई है, उसको ले आई है, पूछताछ की जा रही है। ये पता चला है कि ये अपने बहू के मायके कस्बा 52 में आई थी 1 हफ्ते पहले और यहीं भीख मांग रही थी। इससे और पूछताछ की जा रही है और इसमें जो भी होगा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर संगम नगरी प्रयागराज से है, जहां पर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने डीएम के आदेश पर बाहुबली भू माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद की 3 अलग अलग प्रॉपर्टी पर कुर्की की है। साथ ही कुल 76 करोड़ से ज्यादा मूल्य की संपत्ति जब्त की। आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद के खिलाफ कई मामले दर्ज थे। इसमें नामजद अभियुक्त अतीक अहमद है, उनकी प्रॉपर्टी का लगातार विवेचक द्वारा प्रयास किया जा रहा था जानने का। ये रोड साइड आज 3 प्रॉपर्टियां उनकी जानकारी मिली है सदर तहसील की, जो कि लगभग रकबा 12 बीघा से ऊपर हो रहा है और इसकी अनुमानित कीमत जो मार्केट में है वो 76 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। इसकी रिपोर्ट दी गई थी जिलाधिकारी महोदय को, उनके द्वारा दिनांक 20/8 को इसमें आदेश किया गया था कुर्क करने का, जिसके कंप्लायंस में आज इस संपत्ति को कुर्क किया जाता है और इसके प्रशासक जो है SDM सदर साहब नियुक्त हैं और यहाँ पर मौजूद हैं और इस सर्वसाधारण को सूचित भी किया गया है कि अभी संपत्ति कुर्क संपत्ति है और इसमें किसी भी प्रकार का जो है किसी गतिविधि या प्रवेश विरुद्ध होगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली में FG कॉलेज के मैदान में उतरने के बाद नेहरू नगर स्थित राणा बेनी माधव की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और स्वतंत्रता आंदोलन में अहम योगदान देने वाले राणा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राणा के स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, ये उसी विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ने के लिए ही वह युद्ध था और वह निर्णायक स्थिति हम सबके सामने आई थी 1857 को, जब एक साथ पूरे देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर कई मंगल पांडे के द्वारा इसकी शुरुआत बली बैरकपुर से प्रारंभ की गई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की भूमि बनी। उत्तर प्रदेश से ही इसकी शुरुआत होती है। कहीं धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में मेरठ में दिल्ली चलो का आह्वान करते हुए उस समय के विभिन्न प्रकार से उस पूरे उस प्रथम स्वातंत्र समर को आंदोलन को नेतृत्व दिया जा रहा है। कहीं बलिया में, बलिया ने तो 1942 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। महाराणा प्रताप। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
कुछ पा...